This conference will now be recorded. नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है. अब ये स्टैंडर्ड हमने कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है. इसमें है तो ये छोटा सा स्टैंडर्ड, लेकिन पेपर में दो तीन दफा आया हुआ है. ये स्टैंडर्ड है कौन सा? IS-20. अब से हमने अगले जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो कंप्लीट पढ़ने हैं, ठीक है. यानी पहले जैसे हमने थोड़े स्टैंडर्ड पढ़े और उसके बाद आगे चले जाते थे, लेकिन अब नहीं. ये एक स्टैंडर्ड हमने कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि इसका ताल्लुक है सही किसी और स्टैंडर्ड के साथ, लेकिन ये खुद पढ़ा जाएगा कंप्लीट. ओके होगी बात. तो IS-20 है किस चीज से रिलेटेड? गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ग्रांट्स. अगर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमें अपने बिजनेस में काम करते हुए अगर कोई सब्सिडी मिलती है, या किसी भी फार्म की और कोई सपोर्ट मिलती है फाइनेंशियली, हम उसको गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं. अब इस गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करते हैं? जब मिलती है तो किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं? वो एक डिफरेंट फेजेस है इसके. सबसे पहले हमें गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या चीज है. पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसकी उस डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लें. गवर्नमेंट ग्रांट और असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ग्रांट और असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ In the form of transfer of resources transfer of resources to an entity इन रिटर्न फॉर, किसके बदले? इन रिटर्न फॉर पास्ट या फ्यूचर कंप्लायंस विद certain conditions. Relating to the operating activity. Relating to the operating activity. ये आप लिखें एक दफा.
जी लिख लिया। अच्छा सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए गवर्नमेंट ग्रांट कहते किसे हैं, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ग्रांट कहते किसे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से अगर सपोज दैट गवर्नमेंट हमें कहती है कि जो एंटिटी पावर प्लांट लगाएगी हम उसको 50% कॉस्ट हम बेयर करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट है ये। दूसरा, गवर्नमेंट कहती है कि जनाब आपने अवाम को सस्ती रोटी देनी है और हम उसके लिए आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, ये भी गवर्नमेंट ग्रांट है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो हेल्प की जाती है। अच्छा एक बात और याद रखें, एक होता है गवर्नमेंट का नॉर्मल काम, जैसा कि हम कहते हैं कि जनाब वो गवर्नमेंट हम यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं लेकिन उस जगह पर प्रॉपर रोड नहीं है, तो गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हैं कि रोड बनाया जाए, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होगा। वजह क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ये गवर्नमेंट का एक नॉर्मल काम है, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में ये आएगा कि वो उसका नॉर्मल काम नहीं है, उससे हटके वो किसी भी एंटिटी को अगर फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है तो वो उसे गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। क्योंकि बात हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट ग्रांट जब हम लेंगे तो हम उसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट कितनी टाइप की हो सकती है, गवर्नमेंट ग्रांट एक हो सकती है रिलेटेड टू एसेट, आप कोई एसेट खरीदना चाहते हो, गवर्नमेंट हमें कुछ पैसे दे देती है कि जनाब ये हमारी तरफ से बरकत के लिए पैसे, मतलब वैसे तो गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलती है ना मोस्टली उन चीजों पे मिलती है जिन चीजों पे उनके अपने सियासी मफाद शामिल होते हैं, लेकिन अभी हम ये सोच रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट जो ये जो गवर्नमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं IS-20 के अंदर, ये बिल्कुल साफ सुथरी गवर्नमेंट है और ये अपने मुल्क के मफाद के लिए सोचती है। अब मुल्क के अंदर अगर कोई ऐसी चीज की जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग की, तो कोई बंदा वो स्टार्ट करना चाहता है और गवर्नमेंट उसे हेल्प करती है कि जनाब जो जो बंदा बिजली प्रोड्यूस करेगा ना उसके लिए जो भी प्लांट पे खर्चा आएगा 50% गवर्नमेंट देगी, 50% वो बंदा खुद बेयर करेगा, ये फिर गवर्नमेंट ग्रांट होगी। हाँ अगली बात जरा गवर्नमेंट ग्रांट में जरा जो अच्छी चीज है वो सुने, वो कहता है गवर्नमेंट ग्रांट कुछ रिसोर्सेस ट्रांसफर कर देती है, लेकिन एक बात याद रखें, वो कहता है कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन। गवर्नमेंट कुछ कंडीशन अप्लाई कर देती है तब ग्रांट देती है। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है, सपोज दैट गवर्नमेंट चाहती है कि जनाब मुल्तान के इस इलाके में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, तो गवर्नमेंट कहती है जहां पर जो भी बंदा फैक्ट्री लगाएगा हम उनको जमीन प्रोवाइड करेंगे लैंड, लेकिन एक शर्त है कि वो मुल्तान कम अज कम 50% जो नौकरियां हैं वो मुल्तान के लोगों को मिलेंगी इस खास इलाके के, तो ये कंडीशन होगी। अगर कंडीशन फुलफिल करता है बिजनेस कोई भी तो उसे गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी, और अगर वो गवर्नमेंट ग्रांट ले लेता है बाद में कंडीशन फुलफिल नहीं करता वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जब भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी कुछ रिसोर्सेज एंटिटी में ट्रांसफर हो जाएंगे कुछ कंडीशंस के बदले। जैसे आपको याद होगा कि PTI से पहले शहबाज शरीफ ने लाहौर के अंदर रोटी 2 रुपए की कर दी थी, तो उसने सब्सिडी दी,
अब उस सब्सिडी से हमने जो तंदूर वाला रोटी 2 रुपए की देता था तो ठीक है, उसको वो पैसे मिल रहे थे, लेकिन जो रोटी 2 रुपए की अगर नहीं देता तो मतलब वो कंडीशन की कंप्लायंस नहीं कर रहा, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट वापस भी देनी पड़ती है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट हो रिलेटेड टू एसेट तो कैसे करेंगे। मतलब क्या है, हम कोई एसेट खरीद रहे हैं, हम कोई एसेट खरीद रहे हैं जिसके बदले, हम एसेट खरीद रहे हैं जिसके बदले गवर्नमेंट हमें कुछ पैसे प्रोवाइड कर रही है, या पूरा एसेट ही खरीद के दे रही है, कुछ पैसे दे रही है या पूरा एसेट खरीद के दे रही है, तो क्यों की बात चलें जी। उसके बाद दूसरा आता है रिलेटेड टू इनकम, ये नाम ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूं रिलेटेड टू इनकम। रिलेटेड टू इनकम का मतलब है, रिलेटेड टू एसेट का मतलब है एसेट खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने हमें कुछ पैसे दे दिए। रिलेटेड टू इनकम का मतलब है गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंसेस मीट करने के लिए हमें पैसे दे दिए। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने सपोज दैट हमें ये कह दिया कि अगर आपने मुल्तान के इस इलाके के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो तो जितने मुल्तान के लोग होंगे उनकी 50% सैलरी हम पे करेंगे। ये है रिलेटेड टू इनकम। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि सपोज दैट कि अगर आप यहां पर ये चीज प्रोड्यूस करते हो तो बिजली का बिल हम दे देंगे। ये रिलेटेड टू इनकम है, मतलब कोई एक्सपेंसेस मीट करे गवर्नमेंट तो रिलेटेड टू इनकम, और अगर कोई एसेट खरीद के हमें दे या एसेट खरीदने में हेल्प करे तो रिलेटेड टू एसेट। और एक और गवर्नमेंट ग्रांट की टाइप है वो है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड। मतलब आपको कोई नुकसान हो गया, गवर्नमेंट ने आपको उस नुकसान को मीट करने के लिए पैसे दे दिए। अक्सर जब फसलें खराब हो जाती हैं तो गवर्नमेंट ऐलान कर देती है कि जी पर एकड़ के हिसाब से हम 10,000 रुपया किसानों को देंगे, ये भी गवर्नमेंट ग्रांट में आता है। एक होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन गवर्नमेंट का, या आप गवर्नमेंट से एक ट्रेड करते हो, ये चीजें गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर नहीं आती। ये चीजें गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर नहीं आती। गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर क्या होता है कि कुछ कंडीशंस के बदले गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है, अगर वो कंडीशन आप पूरी करोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको हेल्प मिलेगी वो आपकी, लेकिन अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो ये भी साथ फिर कंडीशन होती है कि आपको जो गवर्नमेंट से पैसे मिले हुए सारे या उनमें से सारे वापस करने पड़े, या उनमें से कुछ पैसे वापस करने पड़े। उपयोगी बात। तो अब हम वन बाय वन इन सब को डिस्कस करते हैं, रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू इनकम और रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकम। तो सबसे पहले रिलेटेड टू एसेट तरफ चलते हैं, आज हम इसकी एक टाइप दो तरह से होते हैं जी, उसी की तरफ से ग्रांट टू। अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी तो हम क्या करेंगे, अगर रिलेटेड टू एसेट हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी तो हम क्या करेंगे। वो कहते हैं देयर आर टू ऑप्शन, देयर आर टू ऑप्शन
दो ऑप्शन है और दोनों ही अलाउ है, दो ऑप्शन है और दोनों ही अलाउ है। ऑप्शन नंबर वन, ये जरूरी नहीं कि जो हम ऑप्शन वन कह रहे हैं वो इसको वन कहे, वो इसको टू भी कह सकता है, मतलब ऑप्शन दो हैं, उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन या कभी कभी दोनों ऑप्शन भी पेपर में पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर वन है डायरेक्टली, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एन एसे, कि जितनी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है आप एसेट की कॉस्ट से माइनस कर दो। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं ऐसे छोटी सी, ऑप्शन नंबर वन के अंदर सपोज दैट एक एसेट की कॉस्ट है 5 लाख, एक एसेट की कॉस्ट है 5 लाख, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिले पैसे, आपको ग्रांट मिल गई इस एसेट को खरीदने के लिए 2 लाख। ऑप्शन वन के हिसाब से हमें ये कहा जाता है कि आप अपने एसेट में से 2 लाख माइनस करके अपना एसेट लिखे ही 3 लाख का, आपकी जेब से जो पैसे लगे आप सिर्फ वो लिखे। आपकी जेब से जो पैसे लगे आप सिर्फ उसी से एसेट अपना डेबिट करें, 2 लाख डायरेक्टली डिडक्ट कर दें। तो ऑप्शन नंबर वन हमें यह कहती है कि आप जब भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिले और अगर आप ये चाहते हो कि उसको डायरेक्टली डिडक्ट कर दो तो आप डायरेक्टली डिडक्ट कर सकते हो, अपना ऐसे डेबिट ही कितनी अमाउंट से करो, 3 लाख से। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे, सिंपल अपना ऐसे डेबिट, कैश क्रेडिट 3 लाख से। और फर्दर हम डेप्रिशिएट भी 3 लाख को करेंगे। फर्दर सपोज दैट हम कहते हैं एसेट की लाइफ है 10 इयर्स, तो हम अपने एसेट को 10 पे डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000। एक सिंपल सी बात की हमने कि एक एसेट था 5 लाख का और गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी 2 लाख। तो एक ऑप्शन ये है स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हुई है कि जनाब आप डायरेक्टली डिडक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली डिडक्ट कर सकते हो, तो जितनी गवर्नमेंट ग्रांट मिली है माइनस कर दो सिंपल, और अपना एसेट नेट अमाउंट से लिख दो और उसी को ही डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो। राइट, पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है और हमने किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। तो सवाल एक मैं बनाता हूं और उस सवाल से फिर जितनी रिक्वायरमेंट पेपर में हो सकती है वो लिखते हैं ऑप्शन वन से और फिर ऑप्शन टू पे चलेंगे। राइट, चलें जनाब। तो क्वेश्चन एक लिखें जरा, कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज रुपीज, कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज रुपीज 1200,000 एंड गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइडेड ₹500,000 अंडर सम कंडीशंस, कंडीशन वो बता दे ना बताए होती जरूर है,
अंडर सम कंडीशन, क्योंकि कल हमने पढ़ना है कि अगर हम कंडीशन फुलफिल नहीं करते और हमें पैसे वापस करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करने पड़ती है, तो क्या करेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो क्या करेंगे। अब्दुल मईज का सवाल है कि सर अगर सारे पैसे हमें गवर्नमेंट ग्रांट दे दे, कि वो सारे पैसे ही हमें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट के, तो यानी पूरे के पूरे 12 लाख, तो हम एसेट की एंट्री पास ही नहीं करेंगे क्योंकि जीरो होगी, हमारी कॉस्ट तो जेब से लगी नहीं, हमारा कैश तो क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो हम क्या क्रेडिट करेंगे, तो हम कोई एंट्री नहीं पास करेंगे। अली हसन का सवाल है कि सर अगर दूसरे या तीसरे साल हमें ये पैसे वापस करने पड़े, बिल्कुल करने पड़ते हैं अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे, तो वो हम आज नहीं पढ़ सकते। आज हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें पैसे मिलेंगे उसको हमने ट्रीट कैसे करना है। सैयद हसीम का सवाल ये है कि सर मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो हम गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ रहे हैं और दूसरी बात, फिर एक बंदे का सवाल है कि सर फिर हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, कहते हो तो बताऊंगा वरना नहीं, वो राज की बात। हाँ जी, कुछ लोगों ने तो वो राज की बात सुनी हुई है और कुछ लोगों ने नहीं सुनी हुई। डेप्रिसिएशन एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस होता है। ये आपको कही सर ये कौन सी राज की बात है, ये तो हमें पता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। अब जरा सुने, वो एक्सपेंस होता भला कैसे है कि हम जब कोई एसेट खरीदते हैं, सपोज है 10 लाख का, तो हम अपना उसको एसेट में लिख देते हैं। 10 लाख को किस में लिख देते हैं, एसेट के अंदर। और स्टैंडर्ड हमें कहता है कि ये 10 लाख क्योंकि आपने इस एसेट को 20 साल इस्तेमाल करना है, तो इस 10 लाख के खर्चे को 20 पे डिवाइड करके अपने हर साल एक्सपेंस में लिखते जाओ। जो आपने 10 लाख का खर्चा किया है, हम मानते हैं ये आपका एक्सपेंस है, लेकिन एक ही साल में 10 लाख हम आपको नहीं दे सकते एक्सपेंस के तौर पे, इस तरह तो आपको नुकसान लॉस आएगा और टैक्स नहीं आएगा। तो वो कहता है कि जो एसेट आप खरीदो उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में लिखते जाओ, है वो आपका एक्सपेंस, 10 लाख आपकी जेब से खर्च हो गया। तो जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ से सारे पैसे मिल जाए, आपको तो खर्चा हुआ ही नहीं, आपकी जेब से तो एक पैसा नहीं गया, तो आपको एक्सपेंस किस चीज का मिलेगा, ठीक है। तो जब आपका खर्चा ही नहीं हुआ, तो फिर डेप्रिसिएशन तो आपके एक्सपेंस को कहते हैं, जो आपका एसेट पे खर्चा हुआ है वो आपको एक्सपेंस की सूरत में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म में लिख रहे होते हो। तो जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट से सारे पैसे मिल जाएंगे, तब तो एक्सपेंस हुआ ही नहीं, आपका तो एक्सपेंस नहीं हुआ ना, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी। चलेंगे, ये दो ऑप्शन दो हैं, आप जिस ऑप्शन को मर्जी अवेल कर रहे हैं। एक ऑप्शन में गवर्नमेंट ग्रांट को लिखते होते हैं, सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं, और एक ऑप्शन में नहीं लिखते होते। दोनों से सवाल करते हैं और पेपर में सेकंड ऑप्शन ज्यादा आती है। तो कॉस्ट ऑफ एन एसेट 12 लाख है, गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट प्रोवाइड कर दी 5 लाख, ओके होगी बात। अहमद रजा कहते हैं मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। अहमद रजा, हम नया स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट का, ठीक है। और अल्लाह के बंदो 40 मिनट लेट, ये तो बहुत ज्यादती है, 40 मिनट तो बहुत लेट है, जल्दी आ जाया करो। माना कि आप सहरी करके सो जाते और सारी रात नहीं सोते। चलें, तो अब ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, अब आ जाए जरा यूजफुल लाइफ। ये रेट कोई भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन का रेट या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन,
10% स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन है हमारा, चलेंगे। अब रिक्वायरमेंट देखें, सबसे पहली रिक्वायरमेंट हम कहते हैं कि दी पास जर्नल एंट्रीज फॉर 3 इयर्स। पहला कि आप 3 सालों की जर्नल एंट्री पास करो, और कौन सी ऑप्शन करनी है, डायरेक्टली डिडक्ट करनी है गवर्नमेंट ग्रांट, क्या करना है गवर्नमेंट ग्रांट डायरेक्टली डिडक्ट करनी है। दूसरी ऑप्शन, दूसरा दूसरी रिक्वायरमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 3 इयर्स, 3 सालों के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, मतलब एसओसीआई में कौन सी अमाउंट जाएगी और एसओएफपी में कौन सी अमाउंट जाएगी, एसओसीआई में कौन सी अमाउंट जाएगी और एसओएफपी में कौन सी अमाउंट जाएगी। तो चले मेरे भाई देख लेते हैं जी, क्वेश्चन लिख लिया सबने। सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं 3 सालों की, और ऑप्शन कौन सी है हमारे पास, डायरेक्टली डिडक्शन, ऑप्शन कौन सी है डायरेक्टली डिडक्शन की। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, तो पहली एंट्री पास होगी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 7 लाख से, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 7 लाख से। हमने जितनी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रांट मिली, जितनी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रांट मिली, हमने क्या करना है वो डायरेक्टली डिडक्ट कर दे। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी है, और पहले साल के एंड पे हमारी डेप्रिसिएशन आ गई, सपोज दैट डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000, अगले साल हमारी डेप्रिसिएशन आ गई डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000, और तीसरे साल भी यही डेप्रिसिएशन आएगी 70,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, अगर WDV मेथड होता तो डेप्रिसिएशन माइनस करके अगले साल की डेप्रिसिएशन आनी। पहली एंट्री एसेट टू कैश गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करके, बाकी फिर वही 7 लाख को ही डेप्रिशिएट करते जा रहे। मेरे भाई सिंपल ये है कि हम समझेंगे कि हमारा एसेट है ही नेट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, नेट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब अगर आप इसका एक्सट्रैक्ट बनाओगे, आ जाओ जरा एक्सट्रैक्ट पे, पेपर में एक्सट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट, सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 1, 2, 3। जी जनाब, हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन,
अदर एक्सपेंस आएगा ना, 70,000 ईयर वन का एक्सपेंस, 70,000 ईयर टू का एक्सपेंस और 70,000 ईयर थ्री का एक्सपेंस। इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन के अंदर कोई और एक्सपेंसेस या इनकम गिवन होंगी वो हम लिखेंगे, लेकिन फिलहाल इस सिंपल क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं बताया हुआ, तो सिर्फ हमने हर साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली। ये है एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट। अब बनाए एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज एट जो भी डेट होगी, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, एसेट की कॉस्ट और लेस कर देंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू जाती है ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। पहले साल एसेट की कॉस्ट थी 7 लाख, डेप्रिसिएशन थी 70,000, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 630,000। दूसरे साल एसेट की कॉस्ट तो वही 7 लाख है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 1,40,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 1,40,000, तो कितनी अमाउंट बन जाएगी, 5,60,000। तीसरे साल 7 लाख और डेप्रिसिएशन क्या आएगी, 2,10,000। ओके की बात, तो हमारे एसेट की वैल्यू क्या आएगी, हुजैफा ने बहुत ही एक अजीब सा सवाल पूछ लिया है कि सर डेप्रिसिएशन डबल क्यों हो रही है। हुजैफा भाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी है, अक्यूमुलेट करके, पहले साल तो 70,000 थी, अगले साल अक्यूमुलेट करनी है पिछली डेप्रिसिएशन पिछले साल की और इस साल की ऐड करके लिखनी है। हर साल अक्यूमुलेट करके डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड, सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे, तो पिछली साल वाली जितनी डेप्रिसिएशन थी वो ऐड करके आगे जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट भी और जर्नल एंट्री भी, कि अगर हम डायरेक्टली डिडक्ट कर देते हैं गवर्नमेंट ग्रांट को तो उसको डील कैसे करते हैं, क्योंकि बात। उसके बाद अब हम आते हैं ऑप्शन टू पे। अब जरा ध्यान से सुने, ऑप्शन टू ही अच्छी अकाउंटिंग है और लगता है कि वाकई ही कि इसमें काम हो रहा होता है। ये तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली डिडक्शन में हम ऐसे समझते हैं कि हमारा एसेट ही नेट अमाउंट का है बस, बाकी तो कोई चक्कर नहीं है। तो अब आ जाओ जरा ऑप्शन टू पे। ऑप्शन टू को कहते क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट सेपरेटली रिकॉग्नाइज मतलब क्या, अब आपने डायरेक्टली डिडक्ट नहीं करना बल्कि गवर्नमेंट ग्रांट को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है, उसको अलग लिखना है। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, यही क्वेश्चन जो अभी हमने लिखा है। जैब कह रहा है कि सर सेप दोबारा बता दूं पिछली ऑप्शन। जैब भाई ये अब ना इसकी रिकॉर्डिंग आप सुनना, क्योंकि हम वापस इसलिए भी नहीं जा सकते क्योंकि
पहले इतनी दफा रिवाइज कर चुके हैं कि वो बोर होना शुरू हो जाएंगे सारे, ठीक है। वो बड़ा आसान सा काम है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जितने पैसे हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं ना ग्रांट के तौर पे, हम उसको डायरेक्टली डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, अब अगर हमारे पास यही सेम क्वेश्चन है कि एसेट की कॉस्ट कितनी है, एसेट की कॉस्ट है 12 लाख और आपको गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिल गई, 7 लाख, 5 लाख। रेब का सवाल है कि सर जी हमने क्वेश्चन में कौन सी ऑप्शन लगानी है, क्वेश्चन में वो हमें खुद बताएगा कि आपने डायरेक्टली डिडक्ट करना है या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है। बस हमें पता होना चाहिए दोनों की अकाउंटिंग करते कैसे। अब आ जाए जरा, हम इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करते हैं और हम इसको इसके एक्सट्रैक्ट भी बनाते हैं। कहते हैं कि अगर आपने सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना हो, अगर आपने सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना हो तो जितनी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है इसको अपनी इनकम बना लो। क्या बना लो? अपनी इनकम बना लो। लेकिन ये इनकम आपने एक ही दफा नहीं लिखनी, जैसे एसेट को डेप्रिशिएट करते हो ना, इसी तरह गवर्नमेंट ग्रांट को एलोकेट करना। मतलब अगर एसेट की लाइफ 10 साल है तो गवर्नमेंट ग्रांट को भी 10 पे डिवाइड करके 10 सालों पर इस इनकम को एलोकेट करो। अगर WDV मेथड है तो WDV मेथड के जरिए एलोकेट करो। तो हम कहेंगे, हमारा अगला सवाल ये होगा कि अब इनकम में तो हमने थोड़ी थोड़ी लिखनी है, तो पूरा 5 लाख जो हमें मिलेगा इसको फिर कहां पर लिखेंगे? इसको लिखेंगे डेफर्ड लायबिलिटी। किसमें लिखेंगे? डेफर्ड लायबिलिटी। मतलब जो हम एडवांस इनकम नहीं ले लेते, एडवांस गवर्नमेंट ग्रांट, तो उसको कहां पर लिखते हैं फिर? लायबिलिटी के अंदर। कहां पर लिखते हैं? लायबिलिटी के अंदर। कहां पर लिखते हैं? लायबिलिटी के अंदर। ओके होगी बात। अब इसको करने तरीकाकार देखते हैं कि अगर हमें सेपरेटली रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। डायरेक्ट नेट तो हमने सीख लिया, अब जरा आ जाए। सपोज दैट पहली एंट्री क्या पास करेंगे, जब हमने एसेट खरीदा पहली एंट्री क्या पाएंगे जिस दिन हमने एसेट खरीदा? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 12 लाख से पूरे का पूरा। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 12 लाख से और आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली 5 लाख, तो कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड लायबिलिटी का मतलब है कि हमने इसको एडवांस में पैसे तो ले लिए हैं लेकिन अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं की इनकम, तो डेफर्ड लायबिलिटी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख से। ये एंट्री पास हो गई जिस दिन हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली और जिस दिन हमने एसेट खरीदा, तो हमें स्टैंडर्ड कहता है कि आप उस वक्त इसको अपनी इनकम ना बनाओ बल्कि उसको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लो। ओके, अगली एंट्री। अब हमने पहले साल डेप्रिशिएट कर रहा है 10% के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन। WDV होगा तो WDV के हिसाब से करेंगे, स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से करेंगे। तो मेरे भाई आ जाए जरा नेक्स्ट
पहले साल की डेप्रिसिएशन हम लेंगे तो एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000 से। हम 12 लाख का 10% ले लेंगे, 12 लाख का 10% ले लेंगे सेम एज इट इज। एक और एंट्री पास करेंगे डेफर्ड लाइबिलिटी डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। पचास हजार से गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट करेंगे 50,000 से। जो काम आपने एसेट के साथ किया 12 लाख का आपने 10% लिया, वही काम आपने गवर्नमेंट ग्रांट से करना है 5 लाख का 10% ले लेना। अगर आप गौर फरमाओ इन दोनों एंट्रीज पे तो नेट 70,000 ही आ रहा है कि 1,20,000 हम एक्सपेंस के नाम से लिखेंगे और 50,000 गवर्नमेंट ग्रांट इनकम के नाम से लिखेंगे। और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। अब अगले साल अब हमने यही करते जाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सारा कुछ फिक्स होगा। अगले साल भी हम ईयर टू के अंदर भी सेम एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000 से और डेफर्ड मैंने कहा है कि सर डेफर्ड लाइबिलिटी अनअर्न्ड इनकम है। बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो आप, ये एक तरह की एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम है। डेफर्ड लाइबिलिटी डेबिट 50,000 से और गवर्नमेंट ग्रांट की जगह आप लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके लिए अगर क्रेडिट हो रहा हो इसका मतलब है अदर इनकम है। आप यहां पर गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हो, यहां पर आप सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। फिर तीसरे साल भी यही एंट्री सेम पास करेंगे डेप्रिसिएशन 1,20,000 से डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000 से क्रेडिट। मतलब डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली हमने नेट नहीं किया ना, एसेट को अपनी अमाउंट से लिखा, तो गवर्नमेंट ग्रांट को भी हर साल इसी तरह से हम डेफर्ड इन लाइबिलिटी डेबिट करते जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को क्रेडिट करते जाएंगे। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज पास होंगी। अगर आपने गौर फरमाया हो इस पे तो सिंपल हमने किया गया है, सिंपल कि गवर्नमेंट ग्रांट को भी अलग से ऐड करके उसको भी समझा है, उसको भी अमोर्टाइज किया है ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। ओके होगी बात। अब इसकी अगर एक्सट्रैक्ट बनाने आते हैं पेपर में, इसके अगर एक्सट्रैक्ट बनाने आते हैं पेपर में तो एक्सट्रैक्ट भी वैसे बनेंगे। जरा गौर फरमाएं, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा। एक हेडिंग आएगी अदर एक्सपेंस की, और एक हेडिंग आएगी अदर इनकम की। अदर एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन, एक लाख बीस हजार पहले साल की, 1,20,000 दूसरे साल की और 1,20,000 ही तीसरे साल की। और अदर इनकम में 50,000 पहले साल की, अदर इनकम में आएगा किस नाम से, गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से।
50,000 पहले साल की गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, 50,000 दूसरे साल की और 50,000 तीसरे साल। क्योंकि हमने पिछला सवाल ही लिया था, अगर आप इसको नेट करें ना प्रॉफिट के अंदर, तो 50,000 इनकम है और 1,20,000 एक्सपेंस है, नेट करोगे तो वही 70,000 एक्सपेंस में आ रहा है। बस इसको एलोकेट करने के तरीके डिफरेंट है, बस और कोई चक्कर नहीं। हाँ, इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो एक्सट्रैक्ट है ना, वो बड़ा ट्रिकी सा है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो एक्सट्रैक्ट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जरा ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, बहुत ही ध्यान से। आ जाए जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। सबसे पहले नॉन करंट एसेट का एक हेड बनेगा, फिर एक बनेगा नॉन करंट लायबिलिटी का, और एक बनेगा करंट लायबिलिटी। अब जो लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बड़े ध्यान से पढ़ के आए हैं, उनके लिए तो ये इशू नहीं है। जो लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बड़े ध्यान से पढ़ के आए हैं, उनके लिए इशू नहीं है। अब जरा नॉन करंट एसेट में कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट है 12 लाख और पहले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,20,000। फिर दूसरे साल कॉस्ट तो वही है 12 लाख, एक क्योंकि कोई नया एसेट खरीदा तो है नहीं, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी 2,40,000। फिर 12 लाख और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 2,40,000 में भी 1,20,000 ऐड कर दो, 3,60,000। लो जनाब, ये आप माइनस करके लिख लेंगे कि पहली वैल्यू हमारे पास आ गई 1,080, दूसरी वैल्यू आ गई 960, तीसरी वैल्यू आ जाएगी 840। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाए जरा, गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से कौन सी डेफर्ड लायबिलिटी आएगी, और करंट लायबिलिटी में गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से। हाँ जी मेरे भाई, जो जाग रहे हैं अब वो गौर करेंगे, जो सोए हैं उन्हें तो पता नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ग्रांट आपको टोटल कितनी मिली है किसी को पता? कितनी मिली है गवर्नमेंट ग्रांट? जवाद कहता है 5 लाख मिली है, बिलाल ने भी कहा 5 लाख मिली है, इसका मतलब है एम्मा ने भी 5 लाख, 5 लाख चले ओके। अब 5 लाख में पहले साल हमने 50,000 इनकम में लिख दिया, उस 5 लाख में से 50,000 हमने इनकम में लिख दिया। अब क्या 50,000 तो इनकम होगी, क्या अब भी वो पूरे के पूरी 5 लाख लायबिलिटी है, या उस लायबिलिटी में 50,000 इनकम में लिखा गया, बाकी 4,50,000 बनता है पहले साल के एंड में, अब हमारी लायबिलिटी पूरी 5 लाख है या 4,50,000 है पहले साल के एंड पे? चले मान गए, कुछ लोग, 3 लोग का मैसेज मिल गया है, शाम का, बिलाल का, राणा फहद का, अहमद रजा का। अब जर्नल एंट्री में भी देखो, अपनी पहले साल के एंड वाली एंट्री जरा देखो, लिखा हुआ है डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट 50,000 से,
डेफर्ड लाइबिलिटी डेबिट होने का मतलब ये है कि आपकी लाइबिलिटी 50,000 से कम हो गई। मान गए सब लोग के 4,50,000 हमारी डेफर्ड लाइबिलिटी में आएगा। अब जरा ध्यान से, इस 4,50,000 में 1,50,000 अगले साल इनकम बन जाएगा, यानी हर साल अगले साल 50,000 इनकम बन जाएगा। आपको याद होगा कि ऐसी लाइबिलिटी जो अगले 12 महीनों में सेटल होनी हो, हम उसको करंट लाइबिलिटी में लिखते हैं या नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखते हैं? ऐसी लाइबिलिटी जो अगले 12 महीनों में सेटल होनी हो, वो करंट होती है या नॉन करंट होती है? करंट लाइबिलिटी होती है। तो मेरे भाई, इस 4,50,000 की लाइबिलिटी के अंदर 4,00,000 मैं लिखूंगा नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, और 50,000 लिखूंगा करंट लाइबिलिटी के अंदर। लिखा मैंने पूरा 4,50,000 लाइबिलिटी के अंदर, लेकिन स्टैंडर्ड मुझे ये कहता है कि हर वो चीज जो अगले 12 महीनों में सेटल होगी, वो आपने करंट लाइबिलिटी में लिखनी। तो मैंने उस 4,50,000 में से 50,000 लिख दिया करंट लाइबिलिटी के अंदर, और बाकी 4,00,000 लिख दिया नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। अब हर साल 50,000 इनकम में जाता जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, और अगले साल मेरी जो नॉन करंट लायबिलिटी बचेगी वो बचेगी 3,50,000, और मेरी करंट लायबिलिटी आगे कितनी आएगी? 50,000। फिर अगले साल हर साल मेरी 50,000 लायबिलिटी कम होती जाएगी। लॉजना, ये मेरा एक्सट्रैक्ट बन गया गवर्नमेंट ग्रांट का। ये आपको अब लगेगा, हाँ जी ये चीज है कि जो पेपर में आनी भी चाहिए। डायरेक्टली डिडक्शन पेपर में अगर अलग से क्वेश्चन आए, हाँ वो कह सकते, दोनों ऑप्शन लिखे, दोनों ऑप्शन हमसे लिखवा सकते हैं, लेकिन अगर वो एक ऑप्शन आया तो सबसे वो ज्यादा ये पूछता है कि आपने सेपरेटली रिकग्नाइज करना है गवर्नमेंट ग्रांट को, डेफर करना है। डेफर का मतलब है उसको लाइबिलिटी में जाकर लिखना है। अब हर साल क्या होगा, जो 50,000 करंट लायबिलिटी में पड़ा है वो चला जाएगा अगले साल इनकम के अंदर, और नॉन करंट लायबिलिटी से उससे अगले साल वाला 50,000 रह जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर। इसी तरह सिलसिला चलता जाएगा जब तक कि एसेट की लाइफ पूरी नहीं हो जाती। ओके होगी बात। चैलेंज आज के लिए मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा, वो आपने कंप्लीट एक दफा पढ़नी है, चाहे ना भी समझ लगे, सिर्फ पढ़ के आनी है, ठीक है? उसकी अंग्रेजी सारा कुछ। कल इंशाल्लाह दोबारा से हम रिलेटेड टू एसेट गवर्नमेंट ग्रांट को डिस्कस करेंगे, और साथ अगर टाइम मिल गया तो हम रिलेटेड टू इनकम में भी जाएंगे, लेकिन ज्यादा यही चांसेस हैं, क्योंकि आज काफी लोगों का इंटरनेट का भी इशू आ रहा है। मैं कोशिश तो करूंगा कि इसका यानी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूं, तो कोशिश मैं करूंगा, लेकिन जितना एक हो गया है कल इनको एक दफा दोबारा देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक बहुत ही छोटा सा है और सिंपल सा है, और ये हफ्ते खत्म भी हो जाना है आराम से, ठीक है? और हमारा टारगेट यही है इंशाल्लाह कि छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हमने खत्म करने हैं इससे पहले पहले, ठीक है? तो जिनमें से एक गवर्नमेंट ग्रांट हमारा खत्म हो जाएगा, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कोशिश करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करने की। तो ये 3 टॉपिक हमने पढ़ लेने हैं जब आप लोग आओगे, ठीक है जनाब? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।